हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। तो आज फिर एक और नया मैसेज लेकर आई हूँ मैं डिवाइन का। देखेंगे डिवाइन ने क्या होल्ड करके रखा है आप लोगों के लिए, क्या नया जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जिसके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिएगा, जो रेजोनेट ना हो वो जाने दीजिएगा। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं, जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आप लोगों के लिए एंजल की गाइडेंस आज मैं दूंगी। फर्स्ट है वर्षा राज लक्ष्मी जी, बहुत बहुत थैंक यू वर्षा आपका, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपके लिए कोई एंजल का मैसेज है तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। सरेंडर, आपको कहा जा रहा है आई सरेंडर टू द यूनिवर्स एंड ट्रस्ट इन इट्स प्लान फॉर मी। तो देखो, आपको जो है ना ईश्वर को सरेंडर करना है और ईश्वर के जो प्लान है उन पर विश्वास करना है कि ईश्वर ने आपके लिए क्या प्लानिंग की है। जो भी ईश्वर ने आपके लिए प्लान किया है वो बहुत ही बेहतरीन है, आप उस पर विश्वास कीजिए और ईश्वर पर सरेंडर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कल्याण सुंदरम जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। डिवाइन का कोई मैसेज है आपके लिए मैं ज़रूर बताऊंगी। हीलिंग, आई एम हीलिंग एंड बिकमिंग होल इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको खुद को हील करना है, अपनी बॉडी को, माइंड को और अपने स्पिरिट को एक साथ अलाइन करना है। कैसे करेंगे? मेडिटेशन करके होगा ये, मेडिटेशन करना है आपको। ठीक है, विश्वजीत जी, बहुत बहुत थैंक यू विश्वजीत जी, आपने सुपर थैंक्स भेजा है मुझे। आपके लिए डिवाइन का कोई मैसेज है। इमोशनल हीलिंग, देखिए आपको इमोशनली हील होने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप इमोशनली हील नहीं हुए हैं या हो थोड़े से ट्रॉमास हो सकते हैं आपकी लाइफ में रह चुके हों। तो आपको कहा जा रहा है कि पास्ट का जो पेन है ना उसे रिलीज़ कर दीजिए और इमोशनली खुद को हील कीजिए। आगे बढ़िए लाइफ में, चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, नए नए लोगों से मिलिए और उनसे बातें कीजिए और घबराइए मत। जो आपके ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं ना उनसे थोड़ा सा बाहर निकलिए। चीज़ें बुरी नहीं हैं, हमेशा बुरी नहीं रहती। जैसे मून साइकिल चलता है ना वैसे ही लोगों की लाइफ का भी सर्कल चलता है। आज दुख है कल सुख होगा, कल सुख है आज दुख होगा, चीज़ें बदलती रहती हैं, स्थायी तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, खुद को हील कीजिए। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, देखेंगे क्या मैसेज आ रहा है, जिसके लिए आज आपको क्या जानना ज़रूरी है, डिवाइन ने आज आप लोगों के लिए क्या होल्ड करके रखा है। बिगनिंग, सरेंडर कर दीजिए। ओके, द सन कार्ड, ओ वाओ, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, तैयारी चल रही है आपको बर्बाद करने की। कार्ड्स बार में पता नहीं क्यों नीचे क्यों गिरते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो आपको बाइंड एंड ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। तरक्की आपकी बर्दाश्त नहीं हो रही है, किसी से बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा, किसी से झेला नहीं जा रहा है आपकी तरक्की, बिल्कुल आपकी सक्सेस ना झेली नहीं जा रही है। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स, बट सेलिब्रेशन रुकेगा नहीं आपकी लाइफ का, ईश्वर रुकने नहीं देंगे। ठीक है, अगेन द वर्ल्ड कार्ड। ठीक है, ओके, जजमेंट भी आ गया है ईश्वर का। तो भाई यहाँ पर ना कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से आपको रास्ते से हटा दिया जाए, आपके भाग्य का छीन लिया जाए आपसे, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ईश्वर विराजमान है पहले ही। ठीक है, तो आपके दुश्मन एक से अनेक हो सकते हैं, एक तो नहीं है, बहुत सारे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके दुश्मन ना आपसे कंपैरिजन कर रहे हैं अपना कि इसमें ऐसा क्या है जो ये इतना जल्दी सक्सेस कर रही है, जो भी
मेहनत कर रही है या कर रहा है, उसको जल्दी क्यों मिल रहा है। कुछ लोगों को आपके साथ अटैच होना है, जुड़ना है। ओके, तो जगलिंग जो लोग पहले कर रहे थे ना कि हम क्या करें क्या करें, वो भी ख़त्म हो गई है। अब देखो यहाँ पे जगलिंग भी उल्टी है। हाँ, मून मैजिक, पता नहीं कौन कौन से मैजिक कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे आपके ना दुश्मन एक से अनेक हैं, बहुत सारे हैं, और वो बहुत सारे दुश्मन मिलजुल कर क्या करना चाहते हैं, वो आपको बाइंड एंड ब्लॉक करना चाहते हैं, आपकी न्यू बिगनिंग्स को रोकना चाह रहे हैं बेसिकली। ठीक है, आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, बहुत कुछ नया नया आ रहा है और लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, लोग उसको रोक देना चाहते हैं, बाइंड एंड ब्लॉक कर देना चाहते हैं आपको। लेकिन क्या होगा, आप सक्सेस ज़रूर करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको हो सकता है बहुत लो एफर्ट में ना, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी अचीव कर रहे हैं आप, बहुत थोड़ी सी मेहनत में आप अच्छा खासा अचीव कर रहे हैं। कोई क्या चाहता है, इसको तबाह कर देना चाहता है, आपके रिश्तों को ख़राब कर देना चाहते हैं, आपके पैसे को ख़राब कर देना चाहते हैं, आपकी हर एक चीज़ को बर्बाद कर देना चाहते हैं। आपकी हेल्थ को भी टारगेट किया जा रहा है, सो दैट आप बोल ना पाएँ, सो दैट कि आप चल ना पाएँ, सो दैट आप रह ना पाएँ, आप खड़े ना हो पाएँ अपने पैरों पर, जी ना पाओ, मर ना पाओ, है ना। यहाँ पर आपको मारने की कोशिश भी की गई होगी, बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह से कोशिश, देखो ये करने की कोशिश की गई है, ये ऐसे आपका ये हाल बनाने की कोशिश की गई है। कुछ बड़े बुद्धिमान लोग हैं जो ये करना चाहते हैं, ठीक है। और आपके जीवन में ये जो सेलिब्रेशन है ना, ये इसको रोकना चाहते हैं। आपके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो शायद बहुत ज़्यादा सक्सेस देंगी आपको, या फिर आपका कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके पास आ रही है, आपकी मेहनत का फल आ रहा है बेसिकली आपके पास, जिसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे लोग, इतनी आग लगी हुई है लोगों को, बहुत ज़्यादा जलन है। तो आपके जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं, आप बेसिकली देखो यहाँ पे क्या है ना, आपका एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हुआ है और दूसरा जो है सर्कल स्टार्ट हुआ है। आपके शायद दुखों का जो एक सर्कल था पास्ट की लाइफ का, वो ख़त्म हो चुका है। अब आपकी लाइफ में एक न्यू साइकिल स्टार्ट हुआ है जो कि अच्छे कर्मों का है, यानी कि अब आपको अपने अच्छे कर्मों का फल भोगना है। तो अब आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी आ रही हैं, और लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे अच्छी चीज़ों को, और वो उसको रोक देना चाहते हैं और आपको पुराने साइकिल में खींच लेना चाहते हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में एक स्टेप अब आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि आप अपनी लाइफ में जो पुरानी चीज़ें रह चुकी हैं उनसे तो आपको कुछ भी नहीं मिला, बट अभी जो आपने मेहनत की है, जो स्ट्रगल किया है, उससे आपको काफ़ी कुछ मिल रहा है। उस चीज़ में भी लोगों को बहुत ज़्यादा चुल लगी हुई है, बहुत ज़्यादा, और वो कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं। थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, बाइंडिंग एंड ब्लॉकिंग चल रही है इधर, तो यंत्र मंत्र, तंत्र और षड्यंत्र सब चल रहा है, कुछ भी असर नहीं करने वाला है। सेलिब्रेशन तो आपका कोई रोक नहीं सकता, और जो ये इनके जो भी इनकी गंदी हरकतें हैं वो सब ख़त्म हो चुकी हैं, आप सब कुछ इनके पास वापस जा रहा है। इन लोगों ने जो भी आपके ऊपर किया है, ये देखो आज की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि आज भी कोई न्यू मून है, तो आज भी इन लोगों ने आपके ऊपर कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन वो वापस चला गया है, बैकफायर हो गया है अपने आप ही। तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि आप सेफ हैं और सिक्योर हैं। आप रुकिएगा नहीं, किसी भी चीज़ से आपको डरना नहीं, अपनी क्लींजिंग करते रहिएगा और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि लाइफ में चीज़ें ऐसी होती रहेंगी, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो इतने क्रीपी होंगे कि आपकी हर एक चीज़ को रोक देना चाहते हैं, आपके लिए बांध देना चाहते हैं आपको। आपके जीवन में ना कुछ बहुत अद्भुत होने वाला है। देखो मेजर अरकाना के कार्ड हैं, 3 मेजर अरकाना के कार्ड हैं और एक पॉजिटिव कार्ड है, 2 नेगेटिव हैं। तो नेगेटिविटी जो बहुत ही कम हो गई है, 10% भी नहीं बची है, ठीक है। और मेजर अरकाना के कार्ड्स जो होते हैं वो, क्योंकि मेजर शिफ्ट होता है तो थोड़ा टाइम लगाते हैं, लेकिन चेंज बहुत मेजर होता है आपकी लाइफ में, तो थोड़ा पेशेंस रखने की तो ज़रूरत है आपको। आपके लिए चीज़ें स्लोली स्लोली चेंज हो रही होंगी और अब एकदम से चक्का बदल जाएगा और कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन होगा आपके लिए, ठीक है। घबराइएगा नहीं कि नहीं हो रहा है, कब होगा, ज़रूर होगा। लोग डिले करना चाहते हैं एक्चुअली, जब भी योग बनते हैं अच्छे, कुछ ना कुछ कांड कर देते हैं और फिर आप थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, बट इस बार कुछ भी नहीं होने वाला, बहुत हो गया डिले अब।
टर्निंग इन, देखो आपको कहा जा रहा है ईश्वर के साथ कनेक्ट हुई है क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत मेजर शिफ्ट होने वाला है, तो ऑफ कोर्स कि इनके जो गंदी हरकतें हैं वो भी मेजर तरीके की होने वाली हैं। तो क्योंकि मेजर तरीके का कुछ गंदा खेल खेलने वाले हैं, और क्योंकि आपकी लाइफ में भी बहुत मेजर शिफ्ट हो रहा है क्योंकि अभी इस कीचड़ से ईश्वर आपको बाहर निकाल रहे हैं ना, तो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो ये चीज़ आपके लिए आई है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ईश्वर के साथ कनेक्ट होने को ईश्वर बोल रहे हैं कि मेडिटेशन करिए, प्लीज़ क्लींजिंग कीजिए। सिज़ोफ्रेनिया, देखो चीज़ों को ना कितना खींचतान के आपका ना मतलब बढ़ाने की कोशिश की गई है, एक अलग ही दुनिया में आपको ना फेंक देने की कोशिश की जा रही है, मतलब आपको ना बिल्कुल एकदम कहीं पर पहुंचा दिया जाए कि पता ही ना चले कि आप कहाँ हैं, इतना परेशान कर देना चाहते हैं लोग आपको। जो लोग आपको नहीं जानते उनको भी इतनी चुल्ल मची हुई है, जिन लोगों के साथ आपने कुछ बुरा नहीं किया उन लोगों को भी इतनी तकलीफ है। अगर इतने दुश्मन आपके हैं तो ऑफकोर्स आप कुछ बहुत बेहतरीन ही कर रहे होंगे, और कुछ तो आप में होगा क्वालिटी कि इतने दुश्मन आपके बन गए हैं, लोगों को इतनी जलन है आपसे, कुछ तो क्वालिटी ज़रूर होगी आप में। शेयरिंग, तो देखिए शेयरिंग का टाइम आ गया है आपका, आपको अपने जीवन में जो भी उपलब्धियां और बेसिकली खुशियों को बांटने का समय आ चुका है आपके, आपकी लाइफ में ये जो भी तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र कुछ काम नहीं करने वाला है इनका, सब खराब जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्शन तो बहुत तगड़ी चल रही है क्योंकि आपके सपने जो पूरे होने वाले हैं, सपने पूरे होने जा रहे हैं, लोग आपको पीछे घसीट लेना चाहते हैं, ठीक है, अपने साथ रखना चाहते हैं सो दैट कि कुछ ना कुछ बहाना मार के आपके भाग्य के साथ खिलवाड़ कर सके। बहुत ही क्रीपी लोग हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों के साथ कुछ भी बांटने की, बट आपकी लाइफ में ना अब आपके एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ शेयर करने का टाइम आ गया है। देखो ऐसा हो सकता है कि आपको किसी इवेंट में बुलाया जाए, कहीं आप जाएं, या कुछ लोगों के साथ आपकी कहानी को बेसिकली लोगों के साथ शेयर करने का टाइम आ गया है। ऐसा कोई टाइम आ गया है जिसमें आप अपने बारे में लोगों से कहेंगे या बताएंगे, या आपके बारे में जाना जाएगा, लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली आपके साथ हुआ क्या, कैसे आपने इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ऐसी कोई कहानी है जो आपके लिए हो रही है। एंजल की गाइडेंस लेंगे, देखेंगे एंजल क्या बोलना चाह रहे हैं आपको, क्या बताना चाहेंगे एंजल आपसे। वाइटैलिटी, आई एम फुल ऑफ वाइटैलिटी एंड एनर्जी, आपको ना अपनी एनर्जी में फुल रहना, एकदम बिल्कुल भी लो नहीं फील करना, बिल्कुल भी किसी के मैनिपुलेशन में नहीं आना है, किसी भी तरह की किसी भी चीज़ में आपको एकदम अपने अपनी एनर्जी और अपने पोटेंशियल को बेसिकली पहचानना है आपको, ठीक है। और किसी भी तरह के लोग बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे, आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, बहुत सी तरह की चीज़ें करेंगे, अपने बारे में सोचिए। अपने पैसे को, अपने सुख को, शोहरत को अपनी मुट्ठी में रखिए, दूसरों के मुट्ठी में मत दीजिए। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, आई एम सेंटर्ड एंड बैलेंस्ड इन ऑल एरिया ऑफ माई लाइफ, तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है किसी भी तरह से, इस बैलेंस को लोग ख़राब कर देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा, आप सेफ हैं, सिक्योर हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली आपको ईश्वर ने बचा लिया है इन क्रीपी लोगों से। जितना हो सके अपनी इंट्यूशंस की सुनिएगा इस वक्त, आपकी इंट्यूशंस आपसे बिल्कुल सच बोलेंगे और सही बोलेंगे, ठीक है। रेडियंस, आई रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी एंड लाइट, आपको कहा जा रहा है कि जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, थोड़ा भी नेगेटिव नहीं होना है आपको, थोड़ा भी नेगेटिव नहीं सोचना है आपको, क्योंकि जितना भी आप थोड़ा सा भी नेगेटिव सोचोगे तो वो चीज़ें जो हैं आपके ऊपर असर करना स्टार्ट कर देंगी और आप पीछे की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना, इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है या फिर आपके इमोशंस के ऊपर भी जो है स्पेल वर्क किए जाते हैं सो दैट कि आपको पास में क्लिंगिंग रहें, उदास रहें, दुखी रहें, और आप ये बिलीव करें कि आपके साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो जब इंसान ये सोचना स्टार्ट कर देता है तो लाइफ में आपको खुशियाँ तो देता है ईश्वर, लेकिन आप उस वक्त उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। कुछ मैसेजेस चैनल डेक में से लेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या नया मैसेज आ रहा है, और जिन लोगों को मैसेज नहीं मिला उनको अब मिल जाएगा। बी हैप्पी ऑलवेज, तो पहले से एक मैसेज झांक रहा है, बी हैप्पी ऑलवेज आपको कहा जा रहा है, हमेशा खुश रहिए, जितना हो सके मुस्कुराइए और टेंशन फ्री रहिए, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। सीक्रेट इज गोइंग टू रिवील,
तो कुछ सच ऐसे हैं जो आपके सामने आने वाले हैं जो आपको नहीं पता है। कर्मा बैकफायर, आई टोल्ड यू कर्मा बैकफायर हुआ है, ठीक है। मिरेकल इज कमिंग इन टू योर लाइफ, तो देखो मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाला है। लाइट अप अदर्स विद योर लाइट, और आपको कहा जा रहा है कि खुद भी रोशन होइए और अपनी रोशनी से दूसरों को भी रोशन कीजिए। अपग्रेड योर लाइफ इन साइलेंस, आपको बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ को साइलेंटली अपग्रेड कीजिए। यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, वाओ आज तो बहुत पॉजिटिविटी है। यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आपको कहा जा रहा है कि आप ईश्वर की संतान हैं। वाइब अलोन अंटिल यू आर वैल्यूड, आपको कहा जा रहा है आप अकेले ही वाइब कीजिए जब तक कि आपकी वैल्यू करना सीख नहीं जाते हैं लोग। यू आर इररिप्लेसेबल, तो आपको रिप्लेस करना संभव ही नहीं, बहुत ही असंभव है, नामुमकिन है, ठीक है, असंभव ही नहीं नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। योर मैरिज विल बी गॉडली एंड ब्यूटीफुल, आपकी जो शादी है बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाली है। पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए शादी भी आ रही है और ये शादी भी मिरेकुलस होगी। हो सकता है कोई बहुत अच्छा इंसान आपको मिलेगा, उसको देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, वो आपके लिए गुड लक का काम करेगा। ग्रोथ इज़ नॉट ऑलवेज विजिबल, आपको कहा गया है ग्रोथ जो है हमेशा विजिबल नहीं होती है, कभी कभी सारी चीज़ों की तैयारी हो जाती है, बस एक इनॉग्रेशन जैसा कुछ होना बाकी होता है, एक बड़ी सी एक इवेंट होना बाकी होता है, वो होने वाला है आपकी लाइफ में। रिलैक्स, योर लव ऑलरेडी योर्स, एवरीथिंग इज रनिंग राइट ऑन शेड्यूल, तो आपको कहा जा रहा है कि रिलैक्स कीजिए, आपकी लाइफ में जो कुछ भी होना था, जो आपको देना है, वो सब शेड्यूल हो चुका है और आपका प्यार सिर्फ आपका है, ठीक है। विश है किसी के लिए, जिनको जो मांगना है मांग सकते हैं आप लोग। स्टॉप स्ट्रेसिंग, समथिंग बियॉन्ड योर वाइल्ड ड्रीम इज अबाउट टू एंटर इन टू योर लाइफ, तो आपका कोई एक ऐसा सपना जो अधूरा था, जो आपको लगता था कि कभी अचीव करना चाहिए, वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में हो रही हैं, वो सपना आप सच होने वाला है आपकी लाइफ में। यू हैव अ हीलिंग वॉइस, तो आपके पास हीलिंग वॉइस है, ठीक है। यू आर गोइंग टू बी फेमस, वाओ तो आप बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हैं, आपको कहा जा रहा है वेरी सून, समथिंग इज गोइंग टू वेरी सून। ओ किसी को बहुत प्रॉब्लम है भाई, अफसोस है किसी को, यू हर्ट मी, आपने मुझे हर्ट किया, अब ये कोई भी हो सकता है। टाइम इज चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग, चीज़ें बदल रही हैं आपके लिए, समय बदल रहा है आपके लिए। योर एक्स इज टॉक्सिक, तो भाई आपका एक्स जो है वो टॉक्सिक है, दूर रहिए उससे, पुराने सभी लोगों से दूर रहिए। कर्मा सेड अ लॉट ऑफ न्यू मनी विल कम इनटू योर लाइफ ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में आपके लिए कुछ नए स्रोत आ रहे हैं मनी के, बहुत सारा पैसा आ रहा है आपके पास ना, पैसा बहुत आएगा इस बार, बहुत आपने जगलिंग कर ली, देखो बहुत संघर्ष कर लिया पैसों के लिए ना, आपने शायद बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और बहुत ज़्यादा तंगी देखी है आपने, बहुत बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा कि कुछ लेने से पहले, चीज़ें खरीदने से पहले 100 बार सोचना पड़ता होगा कि लें कि ना लें, या छोड़ दें या क्या करें, तो अब वो चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं। अब आपकी लाइफ में बहुत सारा धन आ रहा है, ईश्वर दे रहा है, हर वक्त ईश्वर को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए क्योंकि ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। देखिए पैसा कमाने से ही आता है, ईश्वर ब्लेसिंग्स देगा तो वो किसी ना किसी चीज़ के थ्रू देगा, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैसेजेस थे आज आप लोगों के लिए, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसे लगे, और नया क्या जानना चाहते हैं आप, क्या नए मैसेजेस लेकर आऊँ मैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आज के लिए यही रीडिंग थी, मुझे आप परमिशन दीजिए कि मैं भी जा सकूँ, अपना काम कर सकूँ, ठीक है। कल फिर आऊँगी न्यू मैसेज लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।